सस्याकाल नमस्ते मेरे लसनस को रफ्तारी रुचिका का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज बुधवार को शाम को 7 बजे मैं फिर आई हूँ आपके सामने लेकर एक वुमेन ओरिएंटेड मूवी जो कि है, अगर मैं बात करूँ तो ना ही एक जाबाज लड़की की, ना ही एक ऐसी माँ की जिसने बड़े संघर्ष करके अपने बच्चों को पाला, या मैं कहूँ ऐसी लड़की की जो एक हिचकियों के साथ टीचर बनी, बल्कि ये कहानी है एक ऐसी नानी की जो कि सुपर नानी बन गई। एक ऐसी औरत जिसने बता दिया कि बालों में लगी मेहंदी जिंदगी का अंत नहीं है, शुरुआत भी है। शुरुआत की उसने अपनी जिंदगी को संवारने की तब जब उसकी बालों में मेहंदी का रंग चढ़ने चुका था। तो दोस्तों आज की मूवी है रेखा स्टारर सुपर नानी। सुपर नानी डायरेक्ट की है इंद्र कुमार जी ने, प्रोड्यूस भी की है इंद्र कुमार जी ने। स्टार कास्ट इसकी है रेखा, शर्मन जोशी, रणधीर कपूर, अनुपम खेर, श्वेता कुमार। और दोस्तों इसकी रिलीजिंग डेट थी 31 अक्टूबर 2014। सुपर नानी की कहानी शुरू होती है शर्मन जोशी की एक शॉर्ट फीचर फिल्म से। उसने एक शॉर्ट फीचर फिल्म बनाई जिसमें उसने लोगों, कुछ रैंडम लोगों को लेकर एक इंटरव्यू लिया। मिस्टर रंगनाथन, जस्ट होल्ड ऑन वन सेकंड। या जस्ट होल्ड ऑन मिस्टर प्रशांत, या कैन यू हियर मी? टेल मी सर। ओके मिस पटेल, आप मुझे सुन सकती है राइट? यस। या एक सेकंड, आई कॉल यू बैक। या मिस मानसी मेरा, हेलो। ओके आपने हमारे यूएसबीएस फॉर्म में ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई की थी? हाँ मैंने किया था। या दैट्स करेक्ट। या ऑफ कोर्स। ओके तो सबसे पहले मैं आपको जॉब के बारे में बताऊंगी। या बताऊंगी, आप कौन बोल रहे हैं? वेल माइसेल्फ मन मेहरा, मुखिया। मेरे बॉस ने कही है कि मैं आपके साथ हिंदी में ही बात करी और मेरी हिंदी थोड़ी यू नो वीक है, तो प्लीज बेयर विद मी। या ऑफ कोर्स, थैंक यू। जरूर जरूर। सो देन लेट्स टॉक अबाउट द जॉब। या ये मैनेजर की पोस्ट है पर इसमें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जॉब आपको खड़े रहकर करनी पड़ेगी। खड़े रहकर? खड़े रहकर I mean, कितने देर के लिए? Well, दिन में 24 घंटे और हफ्ते में 7 दिन। बीच बीच में बैठने या आराम करने तो मिलेगा ना? नहीं, कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। कभी कभी अपनी एसोसिएट्स को फुल नाइट अटेंशन देनी होगी। फुल नाइट? फुल नाइट, आई लव इट। और साथ में आपको मेडिसिन और फाइनेंस की भी जानकारी होनी चाहिए और आपको कुकिंग भी आनी चाहिए। कोई हॉलीडे, कोई छुट्टी मिलेगी? नहीं, हॉलीडेज नहीं होगी। आपको साल भर काम करनी होगी और इनफैक्ट दिवाली, होली, क्रिसमस, न्यू ईयर के वक्त आपकी वर्कलोड ज्यादा हो जाएगी। That's really inhuman. ये लीगल है क्या? अच्छा इसके लिए सैलरी कितनी मिलेगी? कुछ नहीं, नथिंग, नथिंग एट ऑल। क्या? कुछ भी नहीं? इतना काम बिना सैलरी कौन बेवकूफ करता है यार? अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बिना सैलरी इतना काम करते हैं तो? नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। कौन है ये लोग? मॉम, दुनिया की सारी माए। That's true. इस फिल्म को देखकर शर्मन जोशी यानी जो मन है उसकी मदर रो पड़ती है और उसे याद आता है कि मेरी माँ ने भी अपनी जिंदगी में बहुत कष्ट झेलकर सबके दुत्कार को सहते हुए हम लोगों को बड़ा किया और वो आज भी यही कर रही है। शर्मन जोशी तब डिसाइड करता है इंडिया जाके अपनी नानी से मिलके आने का। और सुबह होती है तो अपनी फैमिली रेखा जो कि अपने घर के लिए हमेशा दुआएं मांगती रहती है, उनका पति रणधीर कपूर एक बिजनेस टाइकून है और अपनी बीवी को बिल्कुल कुछ नहीं समझता। रेखा अपने बड़े बेटे और बहू के साथ रहती है और साथ में उसकी एक छोटी बेटी भी है। अब बट ऑब्वियसली बात है, अगर बाप माँ की बेइज्जती करता है तो बच्चे भी करते हैं। तेरा भी फायदा होगा। ये क्या है मॉम? मंगल की छाया दूर करने का उपाय। क्या? हाँ, ये धागा तू बांध लेना, तेरे हिस्से का उपास है ना, वो मैं कर लूंगी। ये धागा है ना बेटा, तेरा काम एकदम सफल करेगा। ला मैं बांधू। मॉम, धागे से कोई आगे नहीं जाता। मेरे हिस्से का उपवास आप कर रही है ना? जी जरूर। तो ये धागा भी आप ही बांध लीजिए। व्हाट नॉनसेंस धागा। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। मशरूम।
क्यूमिन शिमला मिर्च की सब्जी, माय फेवरेट। ये लो आस्था बेटी, ये फोन नंबर रख लो। किसका है? वो सीरियल वालों का है। किसका? वो सीरियल है ना, खून की प्यासी बहू, उनकी नई सीरियल आने वाली है, मेरी सासू सबसे धासू, वो तुझे रोल देने वाले हैं उसमें। पर मम्मी जी, मुझे फिल्मों में काम करना है, फिल्मों में, सीरियल्स में नहीं, समझी आप? सुकेतु प्लीज हैंडल हर। लेकिन बहू, आजकल लोग सीरियल से फिल्मों में जा रहे हैं। और अगर इसे फिल्मों से सीरियल में जाना हो तो? नहीं नहीं, मेरा मतलब है मॉम, समझो ना यार। मॉम, मॉम। हाँ गार्गी। मॉम, ये किसकी फोटो मेरे रूम में रखी है? अरे ये सबरवाल जी का बेटा है, इससे तुम्हारी शादी की बात चल रही है। डैड, मॉम से मैं 100 बार बोल चुकी कि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी देखो ना। लेकिन बेटा, अब तुम 27 साल की हो गई हो, और इस उम्र में तो तू मेरी गोद में थी। मैं अकेली नहीं थी मॉम, दो और भी थे, और आगे से मेरी शादी का जिक्र मत कीजिएगा प्लीज। अरे अरे, लेकिन गार्गी, खाना तो खा कर जा बेटा। जी जी, रोकिए ना इसे, उसे कहिए ना कि खाना खा कर जाए। जरूरत क्या थी शादी की बात निकालने की? तुम उसकी जिंदगी में क्यों दखल देती हो? उसके बिना मॉम को चैन कहाँ मिलता है डैड? बिना मांगे सलाह मशवरा देने बैठ जाती है। या इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी, एंड डैडी जी प्लीज ट्राई एंड मेक हर अंडरस्टैंड कि जॉइंट फैमिली में भी सबको अपनी स्पेस चाहिए होती है। चलो सुकेतु। अरे ऐसे भूखे मत उठो बेटा, खाना तो खाकर जा। खा लेंगे अपने रूम में सुकून से, चलो सुकेतु। अरे सुकेतु बेटा, समझाओ ना। जितना उसे लगता है कि अपने बेटे के बिजनेस के लिए उसे पंडितों से मिलना चाहिए, उतना ही उसका बेटा उसको दुत्कारता है। जितना उसको लगता है उसकी बेटी को अच्छा घर परिवार मिल जाए, वो शादी कर ले, उतनी ही उसकी बेटी उसके खिलाफ जाकर उसको दुत्कारती है। इन सब के बीच में भी रेखा सब सहते हुए जीवन बिता रही है। आई आई। कि एक दिन अचानक दरवाजा नॉक होता है और मन पहुंच जाता है। मन बाबा। ए, नानी, तूने मुझे पहचान ली? अरे मैं तुझे कैसे नहीं पहचानूंगी रे। अच्छा नानी, I love you नानी। मेरा बच्चा। I really missed you नानी। मेरा बच्चा। सालों के बाद तेरी प्यारी छुट्टी मिली। याद है बचपन में जब मैं रोती थी या उदास होती थी, तब भी तू मुझे ऐसी झप्पी देता था। तुझे याद है वो सब कुछ? मुझे सब याद है नानी, तेरा प्यार, गुस्सा, तेरी हाथ का लड्डू और अचार, हिंदी पढ़ते वक्त मेरी कान मरोड़नी और किसी की नजर ना लगे इसी ये काला धागा पहना। अरे तूने अभी तक पहना है बेटा? अब मन आया है जन्माष्टमी के दिन, तो नानी उसको अपने साथ कृष्णा जी के मंदिर में लेके जाती है, जहाँ उसका मिलना होता है रिया से, जो कि नानी की पड़ोसन की बेटी है। अब रिया की जिम्मेदारी होती है मन को घुमाने फिराने की। दोस्तों, हर पल इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि आजकल की जेनरेशन के बच्चे किस तरह अपनी माँ की बार बार बेइज्जती करते हैं, चाहे खुद करें चाहे अपने बाप की शय में आके करें। अब डाइनिंग टेबल पर बेटा तो करता ही है, साथ में जब माँ बेटी के पास आती है, देखो बेटा ना, कि शादी करनी है उस लड़के से, तुझी का फोन आया था, तो बेटी बिछड़ जाती है। मैंने तुमको वो लड़के की तस्वीर दिखाई थी ना। मॉम आप समझती क्यों नहीं? अरे बेटा मेरी पूरी बात तो सुन लो, लड़का पढ़ा लिखा है, भले लोग है वो, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटे। आई थिंक मॉम आपको सच बताने का टाइम आ गया। क्या बेटा? मॉम मुझे एक लड़का पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। सच? ऐसी बात ही तो पहले क्यों नहीं बताया? तूने पसंद किया है तो अच्छा ही होगा, उसे बुला लो यहाँ मिलने के लिए, मैं तेरे पापा से बात करती हूँ। मॉम, पापा को पता है। ओह, तो ये तो और भी अच्छी बात होगी, तो उसे और उसके परिवार को कल ही यहाँ बुला लेते हैं, ठीक है ना? ओके मॉम। अच्छा गाना तुझे ढेर सारी खुशियां दे। ये लो बेटा, मुंह मीठा कर लो, लड्डू लो। थैंक यू। समीर बेटा, तुम अकेले आए हो, तुम्हारे माता पिता नहीं आए? दरअसल
मेरे मॉम डैड इस शादी के लिए राजी नहीं है। ओह, तुम उसकी चिंता मत करो बेटा, मैं और गार्गी के पापा तुम्हारे यहाँ आएंगे और तुम्हारे परिवार वालों को मना लेंगे, और जब वो मान जाएंगे ना तो हम तुम दोनों की शादी जल्दी कर देंगे। शादी में 1-1.5 साल लग जाएगा। क्यों बेटा? वो क्या है ना, मैं थोड़े दिनों में डाइवोर्स फाइल करने वाला हूँ, और तलाक के इस पूरे प्रोसीजर में 1-1.5 साल तो निकल ही जाता है। क्या? और जैसे ही मेरे और मेरे वाइफ के बीच में ये डिसाइड हो जाएगा कि बच्चे किसके साथ रहेंगे, हम लोग फॉरन डाइवोर्स ले लेंगे, टेंशन नहीं है। बच्चे? हाँ, मेरे 2 बच्चे। जानता हूँ, अभी कोई नया मेलोड्रामा शुरू नहीं कर देना। आजकल की सोसाइटी में ये बहुत कॉमन है, समीर अपनी बीवी को डिवोर्स देगा और गार्गी से शादी कर लेगा बस। लेकिन नानू, अगर इनकी वाइफ ने इनको डिवोर्स नहीं दी तो? उसका भी रास्ता है हमारे पास, we'll go for a live-in relationship. मतलब? मन में तुमसे पूछ रही हूँ, इसका मतलब क्या है? नानी, इसका मतलब है बिना शादी किए हस्बैंड वाइफ की तरह साथ रहना। ये हमारी अमेरिकन बीमारी है नानी, हमारे यहाँ ढूंढी हुई दवाइयों को यहाँ आने में सालों लग जाती है, बीमारियां बहुत जल्दी आ जाती है। इन सब के बाद माँ बहुत परेशान हो जाती है। बनता भी है परेशान होना एक माँ का ये सुनकर कि उसकी बेटी लिव इन रिलेशनशिप में जा रही है। अब जब उसके हस्बैंड को अवार्ड मिलने वाला है तो उसने मन्नत मानी थी कि मैं गरीबों को खाना खिलाऊंगी मंदिर में जाकर। यहाँ पर मंदिर में आकर गरीबों को खाना खिला रही है रेखा, और मन और रिया उसके साथ है। मैं कभी नहीं जाती हूँ। प्रसाद बांटते बांटते मन कहता है भारती को यानी रेखा को कि नानी चलो नानू के अवार्ड फंक्शन में जाना है। नहीं बेटा, शायद वो ये नहीं जानता कि रेखा को तो उसने इनवाइट ही नहीं किया है। तेरी मन्नत की वजह से नानू को अवार्ड मिला है और तू ही नहीं जाएगा? तू जरूर जाएगा। फिर भी मन जिद करके उसको वहाँ ले जाता है। सब लोग सामने बैठे हैं और आर के भाटिया रणधीर कपूर को कहा जाता है कि सर कुछ कहिए। दोस्तों यहाँ पर भी वो मेरी इंस्पिरेशन है, वो कुछ ऐसा कहता है कि रेखा अंदर तक छिप जोड़ जाती है। सर, आपके लाइफ में आपकी वाइफ का क्या कंट्रीब्यूशन है? बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसका, बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन। इसने मुझे 3 बच्चों का बाप बनाया, यही तो कंट्रीब्यूशन है इसका, दैट्स ऑल। क्यों भारती? I was just joking, huh? Just joking. Sir, can we have a photograph, please? Sure. Bharti ji, please, आप भी आइए ना। इन्हें रहने दीजिए। इनकी फोटो कभी अच्छी नहीं आती। Don't worry, dear. तुम्हें कोई फोर्स नहीं करेगा। Relax. Come, children. आओ, आओ. Let's have a happy picture. Come, darling. चांदी, you also come. Come on, come, come. आ जाओ, चलो बच्चों, जल्दी. Smile, everybody. रेखा वहाँ से बाहर आके एक पार्क में बैठकर बेतहाशा रोती है। और हरमन जोशी यानी कि मन उसके पास आकर उससे बात करता है। I'm sorry, नानी, मुझे तुझे यहाँ नहीं लानी चाहिए थी। मुझे पता नहीं कि नानू। पता नहीं मन, तेरे नानू मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? एक बात बोलूं नानी, घर में तेरा जो हाल है ना उसके लिए तू ही जिम्मेदार है। क्या? मैं? Yeah, look at you. पहले तू क्या था और अब क्या हो गया है? जब तू यंग था तब एकदम हीरोइन जैसे दिखता था। मॉम कहता था तू कॉलेज में एक्टिंग करता था, एक्सपर्ट कथक डांसर था, और कॉलेज में बहुत सारी प्राइजेस मिलती थी तुझे, राइट? और आज तेरी घर में तेरा नाम तेरी घरवाली ने मिटा दिया। तू घर की लक्ष्मी नहीं बट एक डोरमैट बन गई, जस्ट डोरमैट। नानू ने भले उसके सक्सेस का क्रेडिट तुझे नहीं दिया नानी, पर उसको सक्सेस देने वाली गॉड जानती है कि नानू के लिए तूने कितनी सैक्रिफाइस की है। नानी, घर वालों को बदलनी है तो अपने आप को बदलनी पड़ेगी। कुछ चमत्कार करनी पड़ेगी, क्योंकि नानी ये गॉड चमत्कार नहीं करती, चमत्कार हमें करनी पड़ती है। इन चमत्कार करेंगी कैसे? Hold it, Thoda, thoda, sirf, thoda, sirf. I'll hold it there. Hold it right there. I've got that.
नानी यू डू हैव एन अमेजिंग फेस नानी अब चमत्कार होगा। अब मन को एक आइडिया सूझता है और वो रेखा की तरफ देख के कहता है, नानी मुझे एक आइडिया आया है। क्या आइडिया? रेखा को मॉडलिंग कराने का। अब रिया और मन रेखा की यानी भारती भाटिया का पोर्टफोलियो शूट करते हैं, कभी साड़ी पहनाकर, तो कभी मदर इंडिया की नरगिस के रूप में, कभी ब्लैक एंड व्हाइट एरा की। बहुत खूबसूरत फोटोज रेखा की खींचते हैं। कितने घंटे वेट करवाएगा यार? ओके गाइस, here I am, sorry. इतने में आर के भाटिया आ जाते हैं और मन उन्हें कहता है कि नानू कल शाम को लॉन में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। और जैसे ही सब लोग वहां इकट्ठे होते हैं, मन रेखा की यानी भारती भाटिया की बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें पूरे लॉन में सजा देता है। नानू तू उस दिन बोली थी ना कि नानी की फोटोज अच्छी नहीं आती, तो अब क्या कहना है तुझे नानू? नानी ब्यूटीफुल है या नहीं? वो क्या हुआ नानू, आवाज अटक गई या बोलती बंद हो गई? What do you say, mommy? Isn't she photogenic? Photogenic? खुद को फोटोग्राफर कहता है और इतना भी नहीं पता कि किसके फोटोग्राफ्स लेने चाहिए। आस्था, ये इंडियन हेरिटेज के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने आया है, इसलिए तो इसे खंडर पसंद आते हैं। पर ये खंडर देखकर नहीं लगती कि ये इमारत अपनी टाइम में कितनी बुलंद थी? और ये तो अब तुमको पता चलेगी कि ये खंडर की कीमत क्या है। क्या मतलब? मतलब मॉडलिंग और एड वर्ल्ड में ऐसी फेस की बहुत डिमांड है। मतलब वही जो तू समझ गया है मामी, मैं नानी के पास मॉडलिंग करवाने वाली है। सुना सुकी तू, अगर तुम्हारी मम्मी ने मॉडलिंग की तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। प्रॉमिस? सबका ऐसा रिएक्शन जायज बनता था। सब फट पड़ते हैं जब उन्हें ये पता चलता है कि मन भारती भाटिया की फोटोज को एड वर्ल्ड में दे चुका है। ये सब क्या है? जब भारती को बुलाया जाता है तो भारती एक हिंदुस्तानी और बहुत हाउसवाइफ, एक बहुत डरी हुई औरत, उसको पूछा जाता है कि तुम ये क्या है, क्या तुम एडवर्ल्ड में जाओगी, क्या तुम मॉडलिंग करोगी? तो वो साफ मना कर देती है, नहीं जी नहीं, मैंने मना कर दिया, मैं नहीं करूंगी। और सब लोग, बच्चे और पति, उसकी फोटोज को जला देते हैं। एक बार फिर रेखा की अंतर आत्मा को काट दिया जाता है। अगले दिन सुबह मन आता है और अभी ये बात ही हो रही होती है कि आखिर नानी क्यों नहीं मॉडलिंग कर सकती। अनुपम खेर अपनी गर्दन टंग 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 हिलाता हुआ अंदर एंटर करता है और अनुपम खेर एक बहुत बड़ी एड एजेंसी का मालिक है और चुन्नी का दोस्त। ये चुन्नी कौन है? चुन्नी? ए गंगा मौसी की चुन्नी, पहचाना मुझे? हाँ पहचाना, ये तुम्हारी आदत से मैंने पहचान लिया, दिनू चाचा का बम्बू ना। एक मिनट, चुन्नी बम्बू, तुम एक दूसरे को जानते हो? जानते हैं, हम लोग तो साथ में सोए हैं। मेरा मतलब है गणित की क्लास में जब मैं चौथी स्टैंडर्ड में था, लास्ट बेंच पर। और वो टीचर ने कैसे लकड़ी से लगाए थे तेरे पुट्ठे पर, तीन दिन तक बैठ नहीं पा रहा था तू, याद है ना? इसका मतलब तुम लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हो? साथ में पढ़े हैं पटना में। चलो बैठ कर बात करते हैं। वो खुद बैठ जाएगी, हाथ छोड़ो। अरे यू मस्ट गेट योर ब्लड प्रेशर चेक यंग चैप, भुला दिया ना सब कुछ मैं क्या बोलने वाला था? चुन्नी तुम इतने सालों से यहाँ हो, मुझे पता तक नहीं चला। ये तो मन्नू ने तुम्हारे फोटोग्राफ ईमेल करके भेजे तो पता चला कि अपनी चुन्नी तो यहाँ पर है। क्या देख रही हो? यही कि तुम्हारी इतनी सारी चोटियां कौन मनाता होगा। सेल्फ मेड। ओके मिस्टर बम्बू, मिल ली अपनी चुन्नी से, हैव अ नाइस डे, गुड बाय। वन सेकंड, नाइस हैविंग मेट यू। वन सेकंड, ये मॉडलिंग के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो। चलो चुन्नी कर, हिम्मत है तो साइन कर।
गॉट इट। देखिए मिस्टर भाटिया, भारती जैसे फेसेस एडवर्टाइज, वो मॉडलिंग नहीं करेगी। हाँ नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। वाह चुन्नी, सुपर मॉडल बनने से पहले तुमने चार चार सेक्रेटरी रख लिए। मिस्टर भाटिया, आप चुन्नी को मॉडलिंग क्यों नहीं करने देना चाहते? क्योंकि उसकी जगह सिर्फ वहां है, इस घर के किचन में, दैट्स ऑल। चुन्नी वाह, तुमने अपनी जिंदगी के 40 साल इन लोगों के दिए, लेकिन आज भी तुम्हारी जगह इन लोगों के दिलों में नहीं है, वहां उस किचन में है। तू 40 साल और भी अपनी जिंदगी का दे देगा ना, तभी आई डोंट थिंक तू इन लोगों के दिलों में जगह बना पाएगा। क्योंकि इन्हें इस घर में एक बीवी, एक मां या एक सास की जरूरत नहीं है, इन्हें तो एड़ियां घिसने वाली एक नौकरानी चाहिए जो तुम बन चुकी हो। अब यहाँ बम्बू उसको मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए कहता है और फिर शुरू होती है उसी बेइज्जती की कहानी। कि तू समय के साथ आगे नहीं बढ़ी। दोस्तों इतनी बेइज्जती के बाद दिखा रेखा एक फैसला लेती है, अपने अंदर की औरत को जगाकर भारती भाटिया अब एक फैसला लेती है कि वो मॉडलिंग करेगी और जवाब देती है अपने पति को उस वक्त। लाओ, मैं इसे भी अपने हाथों से फाड़ के जला देता हूँ। मैं मॉडलिंग करूंगी। बम्बू मैं मॉडलिंग तो क्या, फैशन शोज भी करूंगी। भारती, भारती नहीं, मिस्टर आर के भाटिया, चुन्नी, चुन्नी। मानो तो हम कुमकुम जैसे, ना मानो तो राख से, अब तक थे हम शून्य जैसे, अब बनेंगे लाख के। खाक से लाख तक का सफर भारती भाटिया ने शुरू कर दिया दोस्तों, लेकिन ये तब संभव हो पाया जब उसने अपने अंदर से अपनी औरत को जगाया। अब भारती साड़ीज, डायमंड्स और कितने ही हाउस होल्ड थिंग्स की मॉडलिंग में भारती भाटिया तो बिजी हो गई और पीछे से घर की हालत हो गई टाइट टाइट फिस्ट, क्योंकि भारती भाटिया ही एक ऐसी नौकरानी थी उनके घर की जो सब कुछ संभालती थी। चाय सुबह से 5 बार मांग चुका हूँ, इस घर में मुझे चाय मिलेगी भी के नहीं? आस्था चुप कराओ अपने रोनू निगम को। क्या क्या करूँ मैं डैडी जी, सुबह से रो रहा है। रत्ना, रत्ना आई। बाबा सुबह से रो रहा है, संभाल नहीं सकती। ए, आवाज नीचे करो, आया हूँ नौकरानी नहीं। 4 दिन से किटकिट 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 और ये बच्चा इतना रो रहा है ना, इसमें भी तुम्हारी गलती है, एकदम तुम पे गया है। रोना धोना किटकिट किटकिट किटकिट, गेट आउट, मत कहना, जा रही हूँ मैं। ये लो तुम्हारा बच्चा। इसकी फेवर देखे, तुमसे भी ज्यादा। आस्था एक कप चाय मिलेगी? चाय? हाँ देती हूँ, पहले बर्तन साफ कर लूँ। महन यहाँ एक और चलाकी करता है, काम वाली रत्ना जो बहुत सालों से उनके घर में है उसको भी पैसे दे के चुपचाप गांव भेज देता है थोड़े दिन के लिए कि जाओ इनकी हालत होने दो, क्योंकि यहाँ अब इन्हें पता चले गई नानी की वैल्यू। घर की हालत बिगड़ती हुए देखकर और 4 बार प्रेशर कुकर के फटते हुए देखकर आर के भाटिया अब ये डिसाइड करते हैं कि आने दो आज भारती को, मैं उसकी मॉडलिंग मॉडलिंग सब बंद करा दूंगा। लेकिन जैसे ही भारती रेखा एंटर करती है घर से, घर के अंदर, तो उसके रंग ढंग ही और होते हैं। आज कोई कुछ नहीं बोलेगा, आई विल हैंडल हर। बोनी जी बोलिए। क्या मैं उस एड में स्टनिंग और ब्यूटीफुल लग रही हूँ? यानी कि मैं स्टनिंग और ब्यूटीफुल हूँ ही, यू नो दैट। वेल थैंक यू, आई विल हैव टू कॉल यू बैक, गिव माय लव टू श्री, ओके बाय। ये क्या कर लिया तुमने अपने साथ? छीछी, इसे मेकओवर कहते हैं, ये सब मन का कमाल है। अब मैं लगती हूँ ना सीईओ की बीवी।
रेखा वहां से बाहर आके एक पार्क में बैठकर बेतहाशा रोती है और हरमन जोशी यानी कि मन उसके पास आकर उससे बात करता है। I'm sorry, नानी, मुझे तुझे यहाँ नहीं लानी चाहिए थी। मुझे पता नहीं कि नानू पता नहीं मन तेरे नानू मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। एक बात बोलूं नानी, घर में तेरा जो हाल है ना उसके लिए तू ही जिम्मेदार है। क्या मैं? Yeah, look at you. पहले तू क्या था और अब क्या हो गया है? जब तू यंग था तब एकदम हीरोइन जैसे दिखता था। मॉम कहता था तू कॉलेज में एक्टिंग करता था, एक्सपर्ट कथक डांसर था और कॉलेज में बहुत सारी प्राइजेस मिलती थी तुझे, राइट? और आज तेरी घर में तेरा नाम तेरी घर वाली ने मिटा दी है। तू घर की लक्ष्मी नहीं बट एक डोरमैट बन गई, जस्ट अ डोरमैट। नानू ने भले उसके सक्सेस का क्रेडिट तुझे नहीं दिया नानी, पर उसको सक्सेस देने वाली गॉड जानती है कि नानू के लिए तूने कितनी सैक्रिफाइस की है। नानी घर वालों को बदलनी है तो अपने आप को बदलनी पड़ेगी। कुछ चमत्कार करनी पड़ेगी क्योंकि नानी ये गॉड चमत्कार नहीं करती, चमत्कार हमें करनी पड़ती है। इन चमत्कार करेंगी कैसे? अब चमत्कार होगा। अब मन को एक आइडिया सूझता है और वो रेखा की तरफ देख के कहता है, नानी मुझे एक आइडिया आया है। क्या आइडिया? रेखा को मॉडलिंग कराने का। अब रिया और मन रेखा की यानी भारती भाटिया का पोर्टफोलियो शूट करते हैं, कभी साड़ी पहनाकर तो कभी मदर इंडिया की नरगिस के रूप में, कभी ब्लैक एंड व्हाइट एरा की बहुत खूबसूरत फोटोज रेखा की खींचते हैं। कितने घंटे वेट करवाएगा यार? ओके गाइस, here I am. Sorry. इतने में आर के भाटिया आ जाते हैं और मन उन्हें कहता है कि नानू कल शाम को लॉन में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। और जैसे ही सब लोग वहां इकट्ठे होते हैं, मन रेखा की यानी भारती भाटिया की बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें पूरे लॉन में सजा देता है। नानू तू उस दिन बोली थी ना कि नानी की फोटोज अच्छी नहीं आती, तो अब क्या कहना है तुझे नानू? नानी ब्यूटीफुल है या नहीं? वो क्या हुआ नानू, आवाज अटक गई या बोलती बंद हो गई? What do you say, मामी? Isn't she photogenic? Photogenic? खुद को फोटोग्राफर कहता है और इतना भी नहीं पता कि किसके फोटोग्राफ्स लेने चाहिए। आस्था, ये इंडियन हेरिटेज के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने आया है, इसलिए तो इसे खंडर पसंद आते हैं। पर ये खंडर देखकर नहीं लगती कि ये इमारत अपनी टाइम में कितनी बुलंद थी? और ये तो अब तुमको पता चलेगी कि ये खंडर की कीमत क्या है। क्या मतलब? मतलब मॉडलिंग और एड वर्ल्ड में ऐसी फेस की बहुत डिमांड है। मतलब? वही जो तू समझ गया है मामी, मैं नानी के पास मॉडलिंग करवाने वाली है। सुना सुकी तू, अगर तुम्हारी मम्मी ने मॉडलिंग की तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। प्रॉमिस? सबका ऐसा रिएक्शन जायज बनता था। सब फट पड़ते हैं जब उन्हें ये पता चलता है कि मन भारती भाटिया की फोटोज को एड वर्ल्ड में दे चुका है। ये सब क्या है? जब भारती को बुलाया जाता है तो भारती एक हिंदुस्तानी और बहुत हाउसवाइफ, एक बहुत डरी हुई औरत, उसको पूछा जाता है कि तुम ये क्या है, क्या तुम एड वर्ल्ड में जाओगी, क्या तुम मॉडलिंग करोगी? तो वो साफ मना कर देती है, नहीं जी नहीं, मैंने मना कर दिया, मैं नहीं करूंगी। और सब लोग, बच्चे और पति, उसकी फोटोज को जला देते हैं। एक बार फिर रेखा की अंतर आत्मा को काट दिया जाता है। अगले दिन सुबह मन आता है और अभी ये बात ही हो रही होती है कि आखिर नानी क्यों नहीं मॉडलिंग कर सकती। अनुपम खेर अपनी गर्दन टंग 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 हिलाता हुआ अंदर एंटर करता है
और अनुपम खेर एक बहुत बड़ी एड एजेंसी का मालिक है और चुन्नी का दोस्त। ये चुन्नी कौन है? चुन्नी? ए गंगा मौसी की चुन्नी, पहचाना मुझे? हाँ पहचाना, ये तुम्हारी आदत से मैंने पहचान लिया, दिनू चाचा का बम्बू ना। एक मिनट, चुन्नी बम्बू, तुम एक दूसरे को जानते हो? जानते हैं, हम लोग तो साथ में सोए हैं। मेरा मतलब है गणित की क्लास में जब मैं चौथी स्टैंडर्ड में था, लास्ट बेंच पर। और वो टीचर ने कैसे लकड़ी से लगाए थे तेरे पुट्ठे पर, तीन दिन तक बैठ नहीं पा रहा था तू, याद है ना? इसका मतलब तुम लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हो, साथ में पढ़े हैं पटना में। चलो बैठ कर बात करते हैं। वो खुद बैठ जाएगी, हाथ छोड़ो। अरे यू मस्ट गेट योर ब्लड प्रेशर चेक यंग चैप, भुला दिया ना सब कुछ मैं क्या बोलने वाला था। हाँ चुन्नी, तुम इतने सालों से यहाँ हो मुझे पता तक नहीं चला, ये तो मन्नू ने तुम्हारे फोटोग्राफ ईमेल करके भेजे तो पता चला कि अपनी चुन्नी तो यहाँ पर है। क्या देख रही हो? यही कि तुम्हारी इतनी सारी चोटियां कौन मनाता होगा। सेल्फ मेड। ओके मिस्टर बम्बू, मिल लिया अपनी चुन्नी से, हैव अ नाइस डे, गुड बाय। वन सेकंड, नाइस टू मीट यू। वन सेकंड, ये मॉडलिंग के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो, चलो चुन्नी। कर, हिम्मत है तो साइन कर। Got it. देखिए मिस्टर भाटिया, भारती जैसे फेसेस एडवर्टाइज, वो मॉडलिंग नहीं करेगी। हाँ नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। वाह चुन्नी, सुपर मॉडल बनने से पहले तुमने चार चार सेक्रेटरी रख लिए। मिस्टर भाटिया, आप चुन्नी को मॉडलिंग क्यों नहीं करने देना चाहते? क्योंकि उसकी जगह सिर्फ वहाँ है, इस घर के किचन में, दैट्स ऑल। चुन्नी वाह, तुमने अपनी जिंदगी के 40 साल इन लोगों के दिए, लेकिन आज भी तुम्हारी जगह इन लोगों के दिलों में नहीं है, वहां उस किचन में है। तू 40 साल और भी अपनी जिंदगी का दे देगा ना, तभी आई डोंट थिंक तू इन लोगों के दिलों में जगह बना पाएगा। कि इन्हें इस घर में एक बीवी, एक माँ या एक सास की जरूरत नहीं है, इन्हें तो एड़ियां घिसने वाली एक नौकरानी चाहिए जो तुम बन चुकी हो। अब यहाँ बम्बू उसको मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए कहता है और फिर शुरू होती है उसी बेइज्जती की कहानी। कि तू समय के साथ आगे नहीं बढ़ी? दोस्तों इतनी बेइज्जती के बाद रेखा एक फैसला लेती है, अपने अंदर की औरत को जगाकर भारती भाटिया अब एक फैसला लेती है कि वो मॉडलिंग करेगी और जवाब देती है अपने पति को उस वक्त। लाओ, मैं इसे भी अपने हाथों से फाड़ के जला देता हूँ। मैं मॉडलिंग करूंगी। That's a sweet honey. बम्बू मैं मॉडलिंग तो क्या, फैशन शोज भी करूंगी। भारती? भारती नहीं, मिस्टर आर के भाटिया, चुन्नी, चुन्नी। मानो तो हम कुमकुम जैसे, ना मानो तो राख से, अब तक थे हम शून्य जैसे, अब बनेंगे लाख के। खाक से लाख तक का सफर भारती भाटिया ने शुरू कर दिया दोस्तों, लेकिन ये तब संभव हो पाया जब उसने अपने अंदर से अपनी औरत को जगाया। अब भारती साड़ीज, डायमंड्स और कितने ही हाउस होल्ड थिंग्स की मॉडलिंग में भारती भाटिया तो बिजी हो गई और पीछे से घर की हालत हो गई टाइट टाइट फिस्ट, क्योंकि भारती भाटिया ही एक ऐसी नौकरानी थी उनके घर की जो सब कुछ संभालती थी। चाय सुबह से 5 बार मांग चुका हूँ, इस घर में मुझे चाय मिलेगी भी कि नहीं? आस्था चुप कराओ अपने रोनू निगम को। क्या क्या करूँ मैं डैडी जी, सुबह से रो रहा है। रत्ना, रत्ना आई।
नीचे करो, आया हूँ नौकरानी नहीं। चार दिन से किटकिट 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 और ये बच्चा इतना रो रहा है ना, इसमें भी तुम्हारी गलती है, एकदम तुम पे गया है। रोना धोना किटकिट किटकिट किटकिट, गेट आउट, मत कहना जा रही हूँ मैं। ये लो तुम्हारा बच्चा। इसकी फेवर देखे, तुमसे भी ज्यादा। आस्था एक कप चाय मिलेगी? चाय? हाँ देती हूँ, पहले बर्तन साफ कर लूँ। महन यहाँ एक और चलाकी करता है, काम वाली रत्ना जो बहुत सालों से उनके घर में है उसको भी पैसे देके चुपचाप गांव भेज देता है थोड़े दिन के लिए कि जाओ इनकी हालत होने दो, क्योंकि यहाँ अब इन्हें पता चले गई नानी की वैल्यू। घर की हालत बिगड़ती हुए देखकर और चार बार प्रेशर कुकर के फटते हुए देखकर आरके भाटी अब ये डिसाइड करते हैं कि आने दो आज भारती को, मैं उसकी मॉडलिंग सब बंद करा दूंगा। लेकिन जैसे ही भारती रेखा एंटर करती है घर से, घर के अंदर, तो उसके रंग ढंग ही और होते हैं। इसके बाद दोस्तों आरके भाटिया रेखा को कहता है कि खबरदार तुमने अब मॉडलिंग की तो, और अचानक रेखा के फोन पे भाई का फोन आता है। तुम आज है मॉडलिंग सब बंद। अरे क्यों? अरे मन लगता है शूटिंग वालों को फोन है। मुझे दो, मैं इनकी बैंड बजाता हूँ। अरे मन, हेलो कौन बोल रहा है? भारती भाटिया को फोन दो, दुबई से भाई का फोन है। कहाँ से कौन? दुबई से भाई का फोन है। जी अभी देता हूँ। दुबई से भाई का फोन है। हेलो जी, जी कौन? भाई भारती बहन। हेलो भारती बहन, जय श्री कृष्णा, रमेश भाई बोलू छू दुबई थी। भारती बहन वो क्या है ना, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मेरे यहाँ गारमेंट्स का शोरूम है और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनो। अरे आप कहें और हम मना कर दे, ऐसा कभी हो सकता है भाई? थैंक यू भारती बहन, वाह वाह मजा आ गई। भारती बहन और कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ छे? नहीं भाई कोई तकलीफ नहीं है। बोल दे नानी, बोल दे कि नानू तुझे धमकी दे रही थी, बोल दे। अरे पागल मरवाएगा क्या? शरद ऊंची आवाज में कौन बोलियो? माय डियर हस्बैंड। तुम्हारा हस्बैंड ने कोई तकलीफ छे, कोई प्रॉब्लम छे? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ आवाज ही ऊंची है इनकी, आज तक इन्होंने मुझ पर हाथ नहीं उठाया। हाँ हाँ बस तो कई वांदो नहीं, शूटिंग के लिए आप दुबई में मिलेंगे। ओके जय श्री कृष्णा, आओ जो। जी हाँ मैं ये नंबर सेव कर लूंगी ना। हाँ नहीं अगर कोई तकलीफ हो तो मैं आप ही को फोन करूंगी ना भाई। जी अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज। तो क्या कर रहे थे आप? अगर मैं शूटिंग पे गई तो क्या करने वाले थे आप? कुछ भी तो नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। तू मॉडलिंग कर, शूटिंग कर, जो तेरे मन में आएगा। थैंक यू। मन और भारती दोनों दुबई शूटिंग करने के लिए जाते हैं और एयरपोर्ट से ही मन को एक सरप्राइज मिलता है और वो ये कि रिया पहले ही वहां पर आ गई होती है। अब इन दोनों का प्यार परवान चढ़ता है और दोनों घूमने जाते हैं। थोड़ा थोड़ा गुमसुम है, थोड़ी थोड़ी साफ है बातें, थोड़ी थोड़ी उलझन है, थोड़ा थोड़ा शोर है दिल में, थोड़ा थोड़ा गुमसुम है, थोड़ी थोड़ी साफ है बातें, थोड़ी थोड़ी उलझन है। इंडिया वापस आकर भारती भाटिया बहुत ही फेमस लेडी बन चुकी हैं। अब बहुत सारी महिला मंडल के लोग उनसे मिलने आते हैं, उन्हें सम्मानित करते हैं और भारती को
आर के भाटिया की याद आती है। हमारी ममता फाउंडेशन को डोनेशन देते हैं, उसकी वजह से बहुत से बच्चों को एजुकेशन मिल रही है और बहुत सी बेरोजगार औरतों को भी काम मिल रहा है, इसलिए हम अपनी तरफ से आपको तोहफा देना चाहते हैं। अरे इसकी क्या जरूरत है, ये तो मेरा कर्तव्य है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नमस्कार। नमस्कार। वाओ नानी, दिस इज ब्यूटीफुल। गुड इवनिंग मॉम, आपकी तबीयत कैसी है? हाँ मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। मैं तो ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। अच्छा हाँ, बैठो बेटा। अरे बोलो बेटा। मॉम आटा गूंदो। आटा नहीं, लात मारू। लात? क्या हो गया उसको? नहीं हम हाँ। मॉम आप थक गई होंगी, आपके पैर दबा दूं? क्या तुम मेरे पैर दबाएगा? क्यों, एक बेटा अपनी माँ के पैर नहीं दबा सकता? वाह मामू वाह, तू ये कलयुग की रावण। व्हाट? श्रावण, कलयुग की श्रावण। नानी बहुत खुश है मामू, मांग ले तुझे जो मांगनी है मांग ले। अच्छा बस बेटा। हाँ मॉम, मुझे ना शेयर मार्केट से एक अच्छी सी टिप मिली है, इन्वेस्ट करूंगा ना तो 10 गुना रिटर्न मिलेगा। अच्छा हाँ। तुझे कितने पैसे चाहिए बेटा? ज्यादा नहीं मॉम, बस 1 करोड़। 1 करोड़? हाँ। चलो दिए। ओके, लेकिन इसका क्या गारंटी कि तू हमको ये पैसे लौटा देगा? मॉम मैं अपने खून से लिख के देने के लिए तैयार हूँ। नहीं डोंट वरी मामू, खून तो हम बाद में चूस लेंगे। फिलहाल तो सिर्फ तू स्याही से लिख करके दे दे कि 15 दिन के अंदर अंदर तू ये पैसे हमको लौटा दे। राइट डियर मामू। चलो ये एग्रीमेंट पे साइन कर दे। श्योर श्योर, व्हाई नॉट, थैंक यू। और पोस्ट डेटेड चेक? हाँ मैं अपने साथ लेकर आया हूँ ना मॉम, ये लीजिए। थैंक यू मॉम, थैंक यू। यहाँ सुकेतु के पैसा डूब जाता है और वो 1 करोड़ रुपया खत्म कर देता है। अब रेखा आती है अपने बेटे के ऑफिस अपने पैसे का तकाजा करने। मॉम आप यहाँ? आना ही पड़ा बेटा, ये क्या है? चेक है। हाँ चेक है जो बाउंस हो गया है। अच्छा मेरे पैसे कहाँ है सुकेतु? अब वो अच्छी टिप लेकर इन्वेस्ट किए थे पर टिप भी तुम्हारी तरफ फ्लॉप हो गई है ना? मॉम लौटा दूंगा ना पैसे। और अगर नहीं लौटाए तो क्या करोगी? केस करोगी मुझ पे? जेल भिजवाओगी? नॉट अ बैड आइडिया। मन जरा पुलिस स्टेशन फोन लगाना बेटा। ऑलरेडी लगा दिया नानी। दैट्स माय बॉय। व्हाट यू मॉम, यू कांट डू दिस। आई जस्ट डिड। आई नो। हेलो एलजी रोड पुलिस स्टेशन जी, एक क्रिमिनल है जी, उसका नाम मामू है, सॉरी सुकेतु मामू। नो लेट मी, एक मिनट वो बात करेंगे। हेलो नो दिस इज, सॉरी आई थॉट वो बात करेंगे। तो कहाँ पहुंचे आप? गाड़ी भेजेंगे, हम गाड़ी लेके आए। मॉम प्लीज 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 मुझे जेल में मत डालिए मॉम प्लीज। हे पर मामू ये तो तेरी आइडिया थी ना। चलिए इंस्पेक्टर साहब कंप्लेन लिखवाइए। मम्मी जी, मम्मी जी आप अपने ही बेटे के खिलाफ कंप्लेन कर रही हैं, शर्म नहीं आती? ये लो राखी सावंत शर्मिला टैगोर को शर्म के पाठ पढ़ा रही है। शट अप, आप सुकेतु की माँ हैं, उसके बुरे वक्त में मेरी तरह आपको भी उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। बोलिए गुप्ता जी, कहिए ना। सच? मैं नहीं मानती, मैं अभी आती हूँ। आस्था तुम कहाँ जा रही हो? सुकेतु गुप्ता जी का फोन है, SRK के ऑपोजिट मुझे हीरोइन का रोल मिल गया है, अभी लुकते से मुझे जाना पड़ेगा। हाँ है मामी, पर तू तो अभी बोला बुरे वक्त में तू मामा के साथ खड़ा रहेगा। अरे अगर मैं यहाँ खड़ी रही तो फिल्म निकल जाएगी। हाँ गुप्ता जी मैं निकल गई हूँ, मैं टैक्सी में हूँ, मैं बस आ गई गुप्ता जी। आस्था मम्मी जी प्लीज हैंडल हिम। भारती ये क्या लगा रखा है तुमने? सुकेतु को जेल में डलवा दिया,
क्या कसूर है इस बेचारे का? इसने मुझसे पैसे उधार लिए थे जो अभी तक लौटाए नहीं। तो माँ होकर बेटे को जेल में डालोगी? अरे मदर इंडिया में तो माँ ने अपने बेटे को गोली मार दी थी, मैंने तो सिर्फ इसे जेल में डाला है। ओ शट अप, कितने पैसे उधार लिए थे इसने? मैं अभी चेक देकर तुम्हारे मुंह पे मारता हूँ। हाँ लिख ना लू, लिख 1 करोड़ का चेक लिख और मार हमारे मुंह पे। 1 करोड़? क्या ओनली 1 करोड़? हरामखोर, तूने 1 करोड़ रुपए फूंक डाले। 25-50 हजार होते तो तुझे छुड़ा भी लेता। इडियट। हे नानू, तेरी इज्जत सिर्फ 25-50 हजार की है? ओह शट अप। जस्ट आस्किंग। भारती तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, सक्सेस तुम्हारे सर चढ़कर बोल रही है। अरे ये खून है अपना। अपना खून है तो क्या जिंदगी भर हमारा खून पीते रहेंगे ये लोग? जो गलती करेगा वो भुगतेगा, और अगर इसने गलती की है तो भुगतने दीजिए ना इसे। और वैसे भी आपका क्लब जाने का वक्त हो गया ना, आप जाइए ऐश कीजिए या तो फिर कैश दीजिए। ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट भैया सबसे बड़ा रुपया। चले भैया। रेखा को यहाँ स्ट्रांग होना है दोस्तों, तभी वो अपने बेटे को सीधे रास्ते पे ला पाएगी। सुकेतु को जेल में छोड़कर रेखा घर तो आ जाती है, लेकिन एक माँ का दिल माँ का है, आधी रात को वापस आकर अपने बेटे को जेल से छुड़ा लेती है। वो बेटा अब माँ की कदर समझ चुका है। अब सीधा करने की बारी उस घर के एक और जीव की, बहू की। रेखा एक जगह शूटिंग के लिए आती है और उसकी बहू भी वही शूटिंग के लिए, ऑडिशन के लिए खड़ी है। यहाँ पहला शॉट देते वक्त उनकी बहू जो है वो बहुत घबराई हुई है और शॉट नहीं दे पा रही है। कभी डायलॉग भूल जाती है तो कभी एक्टिंग करना भूल जाती है। अब डायरेक्टर साहब बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और उसको बहुत ह्यूमिलेट करते हैं। यहाँ रेखा आती है और अपनी बहू को साइड में लेके चली जाती है कुछ समझाने के लिए। बस कीजिए। भारती मैम, ये कोई तरीका है एक औरत से बात करने का? मैडम क्या बताऊं, 4 घंटे से बजा रही है दिमाग का घंटा। आप पैकअप मत कीजिए, हमें थोड़ी सी मोहलत दीजिए, वो वापस आकर शॉट देगी, और अगर उसने परफॉर्म नहीं किया तो आज की शूटिंग का खर्चा मैं दूंगी। बहू मेरी तरफ देखो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। यू कैन डू दिस बेटा। क्या मम्मी जी, मुझसे नहीं होगा, इतना ह्यूमिलिएशन, इतना अपमान सहने के बाद मैं एक्टिंग नहीं कर सकती। मामी तुम इतनी सी ह्यूमिलिएशन के बाद एक्टिंग नहीं कर सकते? और नानी तो तुम लोगों का बरसों से ह्यूमिलिएशन सहने के बाद भी तुम लोगों के लिए सब कुछ करता रहा है, जानती हो क्यों? क्योंकि वो तुम सबसे बे इंतहा प्यार करता है। बहू तुम अपने काम से प्यार करो, फिर देखो काम कैसे तुमसे प्यार करता है। मंजिलें कदम चूमेंगी, रास्ता खुद बन जाएगा। हौसला कर तू बुलंद तो आसमां भी झुक जाएगा। रेखा और मन के समझाने के बाद बहू बहुत अच्छी तरह से समझ जाती है कि सिंदूर की कीमत आप उसको ये शॉट किस तरह से देना है। आपने तो हमेशा वापस जाकर उतने ही मेहनत और एंथू के साथ वो शॉट देती है, और उसका शॉट इतना बढ़िया ओके हो जाता है कि सारा क्रू वाह वाह करने लग जाता है। उन्हें खुद पाल पोस कर बड़ा करूंगी। आप चले जाओ कमल बाब, चले जाओ। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक।
दूसरा जीव भी सुधर गया और भारती की कदर करने लगा। अब बारी है तीसरे जीव की, जो कि है उसकी बेटी। दीजिए, यहीं रख दो, मैं खुद ले लूंगा। सब डाइनिंग टेबल में बैठ के नाश्ता कर रहे हैं और अचानक गार्गी आती है और कहती है कि मैं लिव इन में रहने के लिए जा रही हूँ और आज शाम को पार्टी है हमारे इस रिलेशन को पब्लिक करने के लिए, आप सब लोग भी इनवाइटेड हैं। अब सब लोग वहाँ पहुँचते हैं और उससे पहले ही रेखा, मन और बब्बू और बेटा बहू सब मिलके एक प्लान बना चुके होते हैं गार्गी को इस जंजाल से निकालने के लिए। और वो प्लान कुछ इस तरह से होता है कि गार्गी को डांस करते समय ड्रिंक में कुछ मिला के बेहोश कर दिया जाए, क्योंकि उसके लिव इन पार्टनर जिससे वो प्यार करती थी उसकी असलियत दिखानी थी। जो अपने बीवी बच्चों का नहीं हो सका वो गार्गी का कैसे हो सकता, ये उसको बताना था। डैड, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। मुबारक हो, किडनी मैच हो गई यार। किसकी? मिस्टर समीर टंडन की। आप इसे समीर टंडन कौन है? Congratulations! Wow! Now that's real love. दिल से दिल मिली तो किडनी से किडनी कैसे नहीं मिलेगी? यार ये सब लोग खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन आप खुश नजर नहीं आ रहे। अच्छा, आप इनकी हस्बैंड हो? नहीं, वेल इनकी फुल टाइम हस्बैंड नहीं है, पार्ट टाइम हस्बैंड है। पार्ट टाइम हस्बैंड क्या होता है? वेल इनकी लिव इन पार्टनर है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये गाड़ी के मालिक नहीं है, ड्राइवर है। बिना प्रीमियम की पॉलिसी है, करवा चौथ नहीं भरवा चौथ है, मंगल सूत्र नहीं कावर सूत्र है। क्या बोल रहे हैं आप? I really like living relationships. प्यार है तो कटी पतंग, खत्म हो गया तो फटी पतंग। डॉक्टर साहब, अभी आप बताएंगे कि इनकी करनी क्या है? करनी क्या है यार, इनका कलेजा, मेरा मतलब इनकी किडनी बाहर निकालनी है, बस और क्या। Come on, pinky donor, come on. I'm sorry. Come on, kidney donor. इनको पकड़ के लाओ यार, बड़े नर्वस लग रहे हैं। ले आओ इनको। Come, मौसा जी, come. समीर टंडन जी, बाहर बाहर निकालो। हाँ जी, आप पूछो, क्या पूछना है? डॉक्टर साहब, एक किडनी देने से क्या होगा? गार्गी बच जाएगी, और क्या होगा? वो और मैं, मेरे ऊपर क्या इफेक्ट होगा उसका? भाई देखो, एक स्कूटर होता है, उसके दो पहिए होते हैं, एक पहिया बाहर निकाल दो तो स्कूटर कैसे चलेगा? खड़ 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 खड़, वैसी आपकी जिंदगी चलेगी, खड़ 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 खड़। यार लेट जाना यार। एक बात बताओ, स्पोर्ट्स खेलते हो? कौन सी? वो फुटबॉल। अब फुटबॉल सिर्फ मोबाइल पे खेलना, ग्राउंड पे खेलना बंद। क्यों भाई? ग्राउंड में खेलोगे तो फुटबॉल जैसी सूझन आ जाएगी ना यार। कहा? वहां। और लेट जा यार, लेट जा, लेट जा, डोंट वरी। डॉक्टर साहब, मेरी मर्दानगी का क्या होगा? डॉक्टर साहब, भाई मर्द नहीं, सिर्फ एक दर्द बन के रह जाओगे। डॉक्टर साहब, हाँ जी, आपने ये हार क्यों मंगवाया था? भाई मैंने ये हार इसलिए मंगाया था कि अगर तो ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया तो मुझे पहना देना, और अगर नहीं हुआ तो हम इनको पहना देंगे। यार मुझे क्या कह रहे डॉक्टर, मुझे नहीं पहना कोई हार। अरे समीर, अरे मुझे जाना। जब समीर को किडनी देने के कॉन्सिक्वेंसेस पता चलते हैं तो वो वहाँ से भाग निकलता है, और जब भाग रहा होता है तो गार्गी उसके सामने आ जाती है। सॉरी गार्गी, मैं तुम्हें अपनी किडनी नहीं दे सकता। कल मरती हो तो आज मर जाओ। समीर, यहाँ रेखा समीर को थप्पड़ मारकर गार्गी की जिंदगी बचा लेती है और समीर वहां से चला जाता है। निकल जाओ यहाँ से। आर के भाटिया को जब पता चलता है कि ये सब इन लोगों ने नाटक किया गार्गी के साथ, तो वो रेखा को डांटता है कि तुमने ये सब गार्गी के साथ इतना बड़ा नाटक कर दिया तुम लोगों ने। गार्गी और रेखा फिर से स्टार्ट लेती है। समीर को उसकी जिंदगी से निकालने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला। नानू, झूठ बोली तभी तो सच्चाई सामने आई। भारती, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसी घटिया हरकत करोगी। मैंने कोई घटिया हरकत नहीं की मिस्टर आर के भाटिया। बिगड़े हुए बच्चों को सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी एक बाप की यानी आपकी थी, मगर अफसोस ये फर्ज भी मुझे को निभाना पड़ा, एक मां को निभाना पड़ा। आपको पता है, एक कवि जब अपनी कविता लिखता है तो उसके नीचे अपना नाम लिखता है, एक पेंटर जब पेंटिंग बनाता है तो वो भी उसके नीचे अपना नाम लिखता है। बस एक मां ही है जो 9 महीने अपने बच्चे को कोख में पालती है
और जन्म देते ही उसे बाप का नाम दे देती हूँ। थैंक यू। You know, I'm so happy. अब इस घर का तीसरा जीव भी सुधर चुका है और माँ की वैल्यू करने लगा है। दोस्तों, अब बारी है चौथे और सबसे बड़े जीव की, यानी कि आरके भाटिया की। और अब एक खबर आती है कि भारती भाटिया को इंडियन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड देना चाहती है। तू पूरी कबाब में हड्डी है क्या? सच्ची? मैं नानी को लेके अभी आती है। यस चुन्नी, तुम्हें अवार्ड मिल रहा है। अवार्ड? अवार्ड? इंडियन विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें अवार्ड दे रही है। व्हाट? ये ऑर्गेनाइजेशन हर साल किसी एक ऐसी औरत को चुनती है जो किसी की प्रेरणा बनी हो, इंस्पिरेशन बनी हो। और भारती, आज तुम इस देश की हर औरत के लिए एक प्रेरणा बन चुकी हो। इस उम्र में अपनी पहचान बनाकर तुमने लाखों औरतों को एक दिशा दी है, उनके लिए मिसाल कायम की है, और इसी बात के लिए तुम्हें अवार्ड मिल रहा है। कंग्रेचुलेशंस। वाह नानी, सुपर्ब। आई एम सो एक्साइटेड। पूरा इंडिया देखेगा मेरी नानी को अवार्ड लेते हुए। सब कान्हा जी की कृपा है मन। चल मन, घर जाके तेरे नानू को ये खुशखबरी देते हैं। वाह नानी, नानू ने तुझे इनवाइट नहीं की थी अपनी अवार्ड फंक्शन में, लेकिन तू। हां बेटा, हो सकता है कि तेरे नानू के लिए मैं कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे लिए वो सब कुछ है, मेरी पूरी दुनिया। चल। यही प्रॉब्लम है भारत की हर एक भारतीय का। दुनिया की हर खुशी उन्हें अपने पति और परिवार के बिना अधूरी लगती है। चलो बेटा, चलो जाओ। सी यू सैमी। जाओ। अवार्ड फंक्शन के दिन भारती भाटिया मिस्टर आर के भाटिया को याद दिलाती है कि आज आपको मेरे अवार्ड फंक्शन में आना है। अकड़ का मारा हुआ आर के भाटिया मना कर देता है। बताया था ना आपको। आई एम सॉरी, मैं नहीं आ सकूंगा, आई एम बिजी। सुनिए, आप आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम तो मुझे क्यों बुलाना चाहती हो। यही बताने के लिए ना कि तुम कितनी बड़ी हो गई हो, मुझसे कितना आगे निकल गई हो, सबके सामने तुम तो मुझे नीचे दिखाना चाहती हो। अवार्ड फंक्शन शुरू होने से पहले भारती जब स्टेज पर पहुंचती है उधर मन अपने नानू के ऑफिस में जाके उसको बहुत खरी खोटी सुनाता है या उसकी आंखें खोलता है। कहीं हद तक आर के भाटिया उसकी बात को सुनता भी है। मन, तुम यहां क्यों आए हो? झक मारने। क्या? हाँ, आज तक तू झक मारती है ये नानू, आज मैं झक मारने आई है। तुम ही से बात करो, ये मत भूलो कि तुम अपने नाना से बात कर रहे हो। सॉरी नानू, आज यहां एक ग्रैंडसन अपने नानू से बात करने नहीं आई है, आज मैं तुमसे मैन टू मैन टॉक करने आई है। नानू, तू जिंदगी भर अपनी वाइफ को अपनी पैर की जूती समझती रही और आज वो औरत तुझसे आगे निकल गई तो तेरे मेल ईगो को ठेस पहुंच गई, जल गई तेरी जान। अरे नानी, तेरे जैसे 10 आरके को अपने जेब में रख सकती है पर आज भी तेरे कदमों में पिछी हुई है क्योंकि वो स्टूपिड औरत तुझसे प्यार करती है। और क्या बोली थी तू कि नानी ने तुझे 3 बच्चों का बाप बनाया, उतनी कंट्रीब्यूशन है नानी की तेरी लाइफ में। पर सच तो ये है कि तेरी कंट्रीब्यूशन नानी की लाइफ में उतनी है कि तूने उसको 3 बच्चों की मां बनाया। दैट्स ऑल। तू अपने आप को मर्द समझती है पर सच तो ये है कि जो मर्द औरत की इज्जत नहीं कर सकता ना, वो मर्द कहलाने के लायक ही नहीं है। मन, अरे टू हेल विद मन। तू नानी को 40 साल से शून्य कहती रही पर सच तो यह है कि जिंदगी के गणित में नानी हमेशा 100 पे रहा और तू शून्य पे रहा। ब्लडी जीरो। स्टेज पे रेखा को जब अवार्ड मिलता है तो वो जो कहती है उससे सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज वुमेन्स डे के अवसर पर मुझे अवार्ड दिया गया। मैं भारती भाटिया, जन्मी पटना के एक छोटे से कस्बे में, सबसे बड़ी बेटी थी घर की। पढ़ाई की जिम्मेदारी के साथ
चूल्हा चक्की और भाई बहनों की जिम्मेदारी सर पर। कॉलेज गई, आगे पढ़ना चाहती थी, डिग्री हासिल करना चाहती थी, पर हाथ में लग गई मेहंदी और आगे जिम्मेदारियां और ससुराल की चाबियां। बेटी, बहन, पत्नी और फिर मां। बच्चों के कल के लिए हर मां की तरह मैंने भी अपना आज मिटा दिया। तीन बच्चे, पति की सफलता, घर को संभालते संभालते हाथों की मेहंदी कब बालों में आ गई पता ही नहीं चला। फिर एक दिन एक तूफान आया मेरे घर, मेरा नवासा मन, जिसने मेरा मन झिंझोड़ दिया। बालों पर लगी मेहंदी जीवन का अंत नहीं, जीवन की शुरुआत भी हो सकती है, ये उसने मुझे सिखाया। आज मैं जहां खड़ी हूं वो इसकी समझ है, इसका एहसास है। मन जैसा एक बेटा, एक पति, एक भाई, एक पोता, एक नवासा हर घर में हो तो हर दिन वुमेन्स डे के तौर पर मनाया जा सकता है। थैंक यू सो मच मन। ये ऑनर उस शख्स के साथ बांटना चाहती हूं जिसकी मैं सबसे ज्यादा इज्जत करती हूं, सबसे ज्यादा प्यार करती हूं, मिस्टर आर के भाटिया, माय हस्बैंड। प्लीज स्टेज पे आइए ना। चलो आर के, तुम्हारी वाइफ तुम्हें बुला रही है। और अचानक उसकी नजर पड़ती है आरके भाटिया पर, जो कहीं पीछे खड़ा हुआ उसकी बातें सुन रहा है। रेखा उसको स्टेज पे बुलाती है और वो स्टेज पे आकर कुछ इस तरह से कहता है, कमाल है हमारे यहाँ की औरतें, हम चाहे उनके साथ जितनी बदसलूकी करें ये अपने पति को इज्जत देने से नहीं चूकती। आज भारती ने ये अवार्ड मेरे साथ शेयर करके मुझे बहुत बड़ा सम्मान दिया। ये औरत हमेशा हमारे रिश्ते को संजोती रही, खुद टूटती रही, पर हमारे रिश्ते को टूटने नहीं दिया। पर मैंने इसकी कदर कभी नहीं की, हमेशा इसका अपमान ही किया। मुझे देखकर हमारे बच्चे भी भारती का अपमान करने लगे। आज मैंने रियलाइज किया है, अगर पति पत्नी को सम्मान नहीं देगा तो हमारे बच्चे, घर वाले, समाज वाले कभी हमारी पत्नियों को सम्मान नहीं देंगे। आज सबके सामने मैं अपनी पत्नी से माफी मांगना चाहता हूँ। यानी अब इस घर का चौथा जीव भी सुधर गया है। दोस्तों कितना अच्छा हो अगर हम अपने घर की फीमेल्स की उतनी ही रिस्पेक्ट करें। माना आजकल सब 90% लड़कियां, 90% वाइफ्स जो हैं वो वर्किंग वुमेन है। अगर औरत काम के साथ साथ घर संभाल सकती है तो क्या आदमी उनकी मदद नहीं कर सकता? कोई बात नहीं, नहीं करता तो ना करे, लेकिन हमें इतना चाहिए कम से कम हम उनकी रिस्पेक्ट तो करें, इतना तो माने कि हाँ वाकई वो करते हैं। तो दोस्तों ये थी भारती भाटिया की कहानी, जिसने अपने एक दृढ़ निश्चय के साथ अपनी जिंदगी बनाई और अपने ही परिवार के लोगों के नजरों में अपनी इज्जत कायम की। ये थी कुछ वुमेन ओरिएंटेड फिल्म्स इस पूरे महीने में आप सबके लिए।
मैं रफ्तारी रुचिका अगले हफ्ते से आपके लिए बहुत ही खास मूवीज लेके आने वाली हूँ, क्योंकि एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं, बच्चों के नए नए सेशन शुरू हो चुके हैं, तो अब कहानियां मेरी होंगी हमारे बच्चों से रिलेटेड। तो अगली कहानी बहुत खास है, दो जुड़वा बहनों की, जिन्होंने भी एक दृढ़ निश्चय किया अपने माँ बाप को मिलाने का। सुनते रहिए मेरी शो को, फिल्मी दुनिया को, एट रेडियो उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ, एवरी वेडनेसडे शाम को 7 बजे। मेरे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, रुचिका सेठ बाय रेडियो उड़ान, ताकि आप मेरे शोज को एंजॉय कर सके कहीं भी कभी भी। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड टू रेडियो उड़ान, बाय बाय।